इलेक्ट्रा बेकम बहुत ही मशहूर कंपनी जर्मनी की, वुडवर्किंग टूल्स बनाने में नंबर वन इन जर्मनी। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, 1986 की ये मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन स्टिल अभी तक बहुत ही अच्छी हालत में है। वेलकम टू द टूल शॉप व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो मशीन लेकर आए हैं वुडवर्किंग के अंदर, वो नहायत ही यूज़फुल मशीन समझी जाती है और इसका नाम है प्लेनर थिकनेसर। अगर आप सॉलिड वुड के साथ काम करने का शौक़ रखते हैं तो ये काम इस मशीन के बगैर पॉसिबल नहीं है। नेचुरल वुड की एक खसूसियत ये है कि ये कभी भी आपको सीधी नहीं मिलती। जब भी आप वुड परचेज़ करते हैं उसके अंदर या तो एक कप मौजूद है, या वो पीस लकड़ी का ट्विस्ट हुआ है, या उसके अंदर एक वार्पिंग की सिचुएशन आपको नज़र आएगी। ये टर्म सारी वुडवर्किंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हीं सब मसलों को ठीक करने के लिए हमारे पास ये मशीन मौजूद है। सबसे पहले लकड़ी को इस फ्लैट बेड के ऊपर से गुजारा जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास लकड़ी की एक साइड बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। इसकी कंडीशन पर एक नज़र डालते हैं कि ये मशीन किस कंडीशन में है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही साफ कंडीशन में मशीन है, ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है, इसका कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। इसके साथ फेंस भी दिया गया है जो कि बहुत असेंशियल आइटम है इसके लिए। ब्लेड्स इसके अंदर दोनों मौजूद हैं, मिसिंग नहीं है। रोलर इसका जैम नहीं है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। बहुत ही ये साफ़ सुथरी मशीन है और ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत कम इस्तेमाल हुई हुई है। इसका पेंट बहुत ही अच्छी हालत में है और ओरिजिनल पेंट है। यहाँ पर हमारे पास मशीन की सारी स्पेक्स मौजूद हैं। 6500 आरपीएम पे ये चलती है, 260 mm यानी 10 इंचेस इसका साइज़ है, 3 mm यानी एक वक्त में आप इससे 3 mm तक लकड़ी को उड़ा सकते हैं। इलेक्ट्रा बेकम बहुत ही मशहूर कंपनी जर्मनी की, वुडवर्किंग टूल्स बनाने में नंबर वन इन जर्मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक खाली जगह मौजूद है, इस जगह पे इसका स्विच लगा था जो कि टूट चुका था, तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ज़रूरी है इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। हम इसके अंदर एक नया स्विच ऐड करेंगे ताकि इस मशीन को पावर दी जा सके। ये बिल्कुल कंप्लीट मशीन है, इसमें कोई पार्ट मिसिंग नहीं है, तमाम एक्सेसरीज इसके साथ मौजूद हैं। इसका अप डाउन मैकेनिज्म भी फंक्शनल है, इसका टेबल इजीली अप डाउन मूव कर रहा है। और इसका एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की कोटिंग मौजूद है जो इसे रस्ट से बचाएगी। ये इसका फेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है, अक्सर प्लेनर्स यहाँ पर जो आते हैं उनके साथ ये मौजूद नहीं होता, मिसिंग होता है। फेंस को अटैच करने के लिए ये असेंबली हमारे पास मौजूद है, इसके ज़रिए हम फेंस को मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। ये मशीन का सेकंड बेड है, जॉइंटिंग के वक्त आप इसे अटैच कर देते हैं और प्लेनिंग के वक्त आप इसे उतार देते हैं। तो आइए इसे फिट करके देखते हैं। दो लैच इसको सिक्योर करते हैं और ये आपका जॉइंटर कम्प्लीट है, अब आप इसे जॉइंटिंग ईजिली कर सकते हैं। इसका बेड बिल्कुल फ्लैट है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, 1986 की ये मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन स्टिल अभी तक बहुत ही अच्छी हालत में है। इस गार्ड की एडजस्टमेंट आप इस लीवर से अप डाउन करके कर सकते हैं। ये लीवर भी फंक्शनल है, बिल्कुल जैम नहीं है, आप इसको इजीली अप और डाउन मूव कर सकते हैं। टूल शॉप में हमारी कोशिश ये होती है कि अगर अपने कस्टमर्स को हम यूज़ मशीनरी प्रोवाइड करें तो वो बिल्कुल ए प्लस कंडीशन की हो, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना हो और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो।